गर्मी के कारण बहुत लोगों को थोड़ा फुंसी हो जाता है। आजकल तो थोड़ा पंखा का आ गया तो फिर दिक्कत कम हुआ, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि कई बच्चे थोड़े फुंसी से थोड़े फुंसी अक्सर सफाई के कमी से होता है। जो व्यक्ति साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं उनमें ये अधिकांश देखने को मिलता है। और साफ सफाई रहने के बाद भी अगर किन्हीं को होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि उनका रक्त विकृत हो गया, ब्लड उनका प्योर नहीं है, इम्प्योर हो चुका है। तो उस कंडीशन में ब्लड को प्योर करने का उपाय हम लोग करवाते हैं। घरेलू उपाय में तो नीम का पत्ता सबसे अच्छा होता है। नीम के पत्ते को आप किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं, पत्ते को पीस कर खा सकते हैं, पत्ता को उबाल कर पी सकते हैं, पत्ते को उबाल कर गर्म पानी में डालकर उससे आप हल्का गर्म पानी में सहने पर गर्म पानी में डालकर उससे आप स्नान भी कर सकते हैं। तो ये सब करने से घरेलू उपाय में आपका स्किन चर्म रोग जो भी होता है वो आराम होता है। और उसके अलावा तमाम तरह की दवाएं हैं खून साफ करने वाली। हम लोग के यहाँ खदिरारिष्ट नाम से दवा आता है, हम लोग उसे देते हैं, उसके चलते लोग स्वस्थ होते हैं, उससे भी स्वस्थ होते हैं। मुख्य रूप से साफ सफाई पर ध्यान रखना होगा तो नहीं होगा।